हम लोगों ने जो इवोल्यूशन वाला टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रखा है, जहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा था ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, ये वाला टॉपिक चल रहा था, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ का जो टॉपिक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ के अकॉर्डिंग द फर्स्ट थ्योरी इज द स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, द सेकंड थ्योरी इज द कॉस्मोजोइक थ्योरी एंड द एबायोजेनेसिस थ्योरी और बायोजेनेसिस थ्योरी। ये थ्योरीज अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ द टुडे द थ्योरी ऑफ द ओपेरन एंड हेल्डन थ्योरी। कौन कौन सी थ्योरी करेंगे? ओपेरन एंड हेल्डन थ्योरी। ये दो साइंटिस्ट थे, ओपेरन और हेल्डन, इनकी थ्योरी। देखो बाकी की जो थ्योरी थी, जैसे ए बायोजेनेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो लाइफ ओरिजिनेट स्पोटेनियस, ये थ्योरी थी। सेकंड जो थ्योरी हमने बायोजेनेसिस थ्योरी क्या करी थी, द लाइफ ओरिजिन प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लेकिन कोई भी थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि जो अर्थ पे फर्स्ट लाइफ कहाँ से आई है ना, कोई भी थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई हाउ द फर्स्ट लाइफ क्रिएट ऑन द अर्थ। तो फर्स्ट लाइफ क्रिएट ऑन द अर्थ एक्सप्लेन बाय द ओपेरन और हेल्डन थ्योरी। जो ओपेरन है ना, जिसका है आई ए आई ओपेरन। कौन है? ए आई ओपेरन। ए आई ओपेरन थे, और ए क्या थे? जे बी एस हेल्डन, जे बी एस हेल्डन, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा ना, हेल्डन, जे बी एस हेल्डन थे। तो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दी थी ए आई ओपेरन। और फिर देखो इनके अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू ओपेरन हेल्डन द प्रिमिटिव अर्थ, प्रिमिटिव अर्थ कब, जब ओरिजिन हुआ ना, अर्थ का जब ओरिजिन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर अगो, 4.5 बिलियन ईयर अगो जब अर्थ का ओरिजिन हुआ, तो अर्थ एक क्या थी, फायर बल्ब। अर्थ क्या थी? फायर बल्ब थी, है ना। और जैसे मान के चलो ऐसे 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 थी अर्थ, ऐसे 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 इस टाइप से ना, ऐसे बनी थी अर्थ, बताया था ना मैंने आपको, है ना। इस पे ऐसे वॉल्केनोज निकलते रहते थे, है ना, ऐसे 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 लाइटिंग होती, यानी वॉल्केनोज थे, क्या हो रही थी, लाइटिंग हो रही थी। वॉल्केनोज और लाइटिंग होने की वजह से कुछ गैसेस क्रिएट हुई, और वो गैसेस कौन कौन सी थी आपको याद हो तो, हाइड्रोजन गैस, मेथेन गैस, अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये गैसेस हुई। अब देखो जैसे मान के चलो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग ऐसे से अपनी अर्थ है ना, वोल्केनोज पावर, तो कौन कौन सी गैसेस हुई प्रिमिटिव में, अमोनिया, सॉरी मेथेन, अमोनिया गैस, हाइड्रोजन, CO2, ये गैसेस थी। अब ये जो गैसेस थी, एनर्जी, और एनर्जी प्रिमिटिव अर्थ पे एनर्जी कौन देगा, वोल्केनो, लाइटिंग, है ना, इनकी वजह से यहाँ पे क्या, ये लाइटिंग की वजह से, वोल्केनोज की वजह से, या फिर जो कोई भी मेटेरोड्स है ना, मेटेरोड्स है जो अर्थ की सरफेस एटमॉस्फेयर से कॉलिप्स करेंगे, टकराएंगे, तो उससे भी क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। तो एनर्जी कहाँ कहाँ से मिली, वोल्केनोज एनर्जी, फिर उसके बाद में जैसे मेटेरोइड्स, मेटेरोइड्स लाइटिंग टू क्रिएट, है ना, ये गैसेस टू क्रिएट द फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स, इनकी वजह से फर्स्ट क्या बने, बायोमोलिक्यूल्स बने। अभी जो फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स किसके अकॉर्डिंग, ओपेरन और हेल्डन के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्या बने, बायोमोलिक्यूल्स। और ये कहाँ बनेंगे फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स, वाटर के अंदर। जैसे देखो मैं आपको बताऊँ, आपको याद हो तो प्रिमिटिव अर्थ में अपने कहा था कि प्रिमिटिव अर्थ इज दिस टाइप ऑफ शेप, ड्यूरिंग द एनर्जी या लाइटिंग एनर्जी द वॉटर वेपर कन्वर्ट इन टू द रेन, ठंडी हो तो रेन। अभी जो बीच में खड्डे बने थे ना, ये सब के सब लगातार रेन होती गई, और रेन होने की वजह से यहाँ पे क्या फील हो गया था, वाटर फील हो गया था। ये बात मैंने आपको कब बताई थी, फर्स्ट जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, फर्स्ट वीडियो में बातें बताई थी मैंने आपको कि अब फल्ग था, बल्ब था, और इसकी जो सरफेस है
इरेगुलर फॉर्म में थी, है ना। यहाँ से ऐसे वॉल्केनोज निकल रहे थे ना, ये गैसेस बन रही थी, ये फिर जो मेथेन गैस है, अमोनिया गैस है, इसमें वाटर वेपर से रिएक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। ये वाटर रेन की फॉर्म में अर्थ की सरफेस पर आया, और जो ये बीच में जगह थी ये सब किससे फिल हो गई थी, वाटर से फिल हो गई थी। ये बात अपने फर्स्ट वाले वीडियो में की थी। वही बात ओपेरॉन और हेल्डन बता रहे हैं कि इस टाइप से वोल्केनोज पावर के से वाटर बन गया था, ये वाटर हो गया, वाटर के अंदर ये गैसेस का मिक्सचर था, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस, इन सब का, है ना। इसमें इस पावर की वजह से वाटर में क्या बना, फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स बना, जैसे अमीनो एसिड, क्या बने, अमीनो एसिड बने, फैटी एसिड, है ना, जैसे ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब बने। मतलब ये फर्स्ट साइन ऑफ द लाइफ, आप क्या कह दो, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कब देखने को मिला था, 4 बिलियन ईयर अगो। मतलब अर्थ का ओरिजिन तो 4.5 बिलियन ईयर है, लाइफ का फर्स्ट साइन कब देखने को मिला, 4 बिलियन ईयर अगो, जिसमें आपको क्या देखने मिलेंगे, बायो मोलिक्यूल्स या सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस सबसे पहले ये बने। फिर देखो सिंपल ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस है, है ना, आर रिएक्टेड टू फॉर्म द बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स, बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स बने। जो बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स है उसमें देखो, जैसे अमीनो एसिड से बन गया प्रोटीन, है ना, फैट बन जाए, ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट्स बन जाए, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाए, और न्यूक्लियोटाइड से आरएनए, पहले क्या बना था, आरएनए, फिर डीएनए बना था। तो बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स कब बने, 3 बिलियन ईयर अगो। ओरिजिन ऑफ अर्थ क्या था, 4.5 बिलियन ईयर अगो। फर्स्ट साइन में फर्स्ट बायो मोलिक्यूल्स या सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किस मेथड से बने, इस मेथड से बने, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड्स। फिर बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स बने 3 बिलियन ईयर अगो, प्रोटीन बना, फैट बना, कार्बोहाइड्रेट बना और आरएनए बना। ये होने के बाद में फिर अभी प्रोसेस रुकने वाली थोड़ी ना थी, लाइफ थोड़ी ना बन गई थी, लाइफ तो बनी नहीं। अब धीरे धीरे इनमें रिएक्शन होती रहती, अपनी जो अर्थ है वो क्या हो रही थी, वो रिवॉल्व होती जा रही थी, धीरे धीरे वो ठंडी होती जा रही थी, लार्ज मोलिक्यूल्स बन गए थे, और ये जो लार्ज मोलिक्यूल्स है इन द वॉटर टू फॉर्म, इन द वॉटर टू फॉर्म द फर्स्ट सेल, यानी प्रोबायोंट, क्या बने थे, प्रोबायोंट बने थे, और प्रोबायोंट से फिर क्या बन गई थी, फर्स्ट सेल बन गई थी। तो फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन 2 बिलियन ईयर अगो हुआ था। देखो एक बार वापस बताती हूँ, ये वाली बातें अपन ने फर्स्ट वीडियो में कर ली, प्रीमिटिव स्टेज की, मतलब वाटर बन चुका था, अर्थ की सरफेस पे क्या आ गया था, वाटर आ गया था। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो सबस्टेंस है प्रीमिटिव के अंदर, ये गैसेस प्रेजेंट थी, एनर्जी मिली वोल्केनोज, मेटेरॉइड्स, लाइटिंग से, तो क्या बने, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड्स बने। कब बने, 4 बिलियन ईयर अगो। देन आफ्टर टू फॉर्मेशन ऑफ द बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ द बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स में प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, ये 3 बिलियन ईयर अगो। फिर प्रोबायोंट बने, फर्स्ट सेल बनी, तो फर्स्ट सेल ही तो बनानी थी हमें, याद रखना पहले आरएनए बना था, डीएनए नहीं बना था, तो फिर प्रोबायोंट्स बन गई और फर्स्ट सेल बन गई। इसी थ्योरी को अपन बेस मानते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, सो दिस थ्योरी इज नोन एज द मॉडर्न थ्योरी। इसी का नाम क्या, ओपेरॉन हेल्डन की थ्योरी क्या है, मॉडर्न थ्योरी, मोर एक्सटेबल थ्योरी, एक्सटेबल्स थ्योरी। दिस थ्योरी इज द केमिकल थ्योरी, या फिर आप इसे क्या कैसे एक नाम और दिया सकते, प्राइमरी ए बायोजीनेसिस, क्या है, प्राइमरी ए बायोजीनेसिस। सुनो, उस ए बायोजीनेसिस, इस ए बायोजीनेसिस में डिफरेंस है,
यहाँ पर एबायोजेनेसिस इन सबस्टेंस को दिया है, प्रोटीन को, फैटी एसिड को, न्यूक्लियो है ना, ग्लूकोज को, न्यूक्लियोटाइड्स को, ये एबायोजेनेसिस है। वो थ्योरी क्या कह रही थी, वो इन सबस्टेंस की बात ही नहीं कर रही थी, वो तो कहती कोई मड था उसके अंदर अपने आप ही लाइफ बन गई, वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात ही नहीं कर रही थी। अब ये क्या कह रहे कि सिंपल इनऑर्गेनिक से फिर क्या बने थे, ऑर्गेनिक। तो तुम लोग प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, इनको क्या बता सकते हो, ऑर्गेनिक भी बता सकते हो, इतना याद रह जाएगा। ये किसकी थ्योरी थी, ओपेरोन और हेल्डन की थ्योरी थी, है ना। अब देखो ये जो बायोंट बने हैं ना, पेज चेंज कर दो बच्चों, है ना, ये जो प्रोबायोंट्स बने ये टू टाइप्स के बने। अब प्रोबायोंट्स ओपेरोन है ना, ओपेरोन वो तो प्रोबायोंट्स टू को बता रहा है, ओपेरोन तो कहेगा प्रोबायोंट्स के लिए कोसर्वेंट वर्ड यूज किया, क्या टर्म यूज किया इसने, को एसर्वेट, क्या टर्म यूज किया इसने, को एसर्वेट टर्म यूज किया। अब ये क्या कह रहा है सुनो, है ना, और एक टर्म कौन सा यूज हुआ था, मैक्रो माइक्रोस्फीयर, है ना, माइक्रोस्फीयर। देखो क्या बोल रहे, ये जैसे मान लो ये वॉटर है, है ना, इस वाटर के अंदर ऐसे ऐसे बीच में आ गया, ये प्रोटीन्स है, क्या है ये प्रोटीन्स है, है ना, एक मिनट रुको, और इसके चारों तरफ, है ना, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे क्या आ गई, फोस्फोलिपिड आ गई, तो प्रोटीन और फोस्फोलिपिड की लेयर हो गई। कोसर्वेंट क्या कह रहा है सुनो, कोसर्वेंट भी यही बात बता रहा है, ये क्या कह रहा है, प्रोटीन पार्टिकल्स है, मतलब ये प्रोटीन हो गया, है ना, और इसके चारों तरफ किसकी लेयर बन गई, फोस्फोलिपिड की, किसकी लेयर बन गई, फोस्फोलिपिड की, और इसे ही अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्रोबायोंट हो गए ना, कोसर्वेंट के अकॉर्डिंग, जैसे देखो ये फोस्फोलिपिड ऐसे बता रहे कि लिपिड है, है ना, उसमें एक पार्ट तो लिपिड है, एक पार्ट है फोस्फो, मतलब सॉरी एक पार्ट लिपिड और प्लस फोस्फेट मिलके क्या बनाते हैं, फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड और प्रोटीन मिलकर के क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन, क्या बनाएंगे, सेल मेम्ब्रेन। अब जो फोस्फोलिपिड है, देखो ऐसे है ना, फोस्फोलिपिड ऐसे ऐसे, ये वाला जो पार्ट है ये वाटर में डिजॉल्व होता है, वाटर डिजॉल्व, है ना, मतलब हाइड्रोफिलिक, कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। ये वाला जो पार्ट है जो लिपिड का बना है वो कैसा होता है, क्योंकि आपको पता है घी और ऑयल जो होते हैं ना, ये लिपिड पार्ट हो गया, घी और ऑयल वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, मतलब ये हाइड्रोफोबिक है, है ना। अब ये अरेंज कैसे हुआ, देखो वाटर तो था ही, मतलब यहाँ वाटर तो, और यहाँ क्या पड़े हैं सुनो, यहाँ क्या पड़े हुए हैं, प्रोटीन पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, है ना। अब ये क्या करेगा, देखो ऐसे बाईलेयर बनाएगा, मतलब यह वाटर है तो ऐसे ऐसे, देखो वाटर से दूर है ना, लिपिड की तरफ ऐसे ऐसे, है ना। अब क्या करें, ये वाला ऐसा वाटर के कनेक्टेड है, लेकिन वाटर के कनेक्टेड नहीं होना ना इसको, तो ये एक लेयर और बन गई ऐसे, देखो टेल है वो वाटर से क्या है, दूर है, ये लो, तो फोस्फोलिपिड की बाई लेयर हो गई ना। हमें पता है कोई भी सेल मेम्ब्रेन होती है तो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर एक तो प्रोटीन पार्ट होता है और प्लस फोस्फोलिपिड है, क्या होती है, बाई लेयर्ड होती है। और जबकि ना इसके अंदर नॉर्मली प्रोटीन था और लिपिड आके इकट्ठी हो गई थी, ज़्यादा नहीं है, किसके अंदर, बायोस्फीयर के अंदर, बायो। और कोसर्वेंट जो किसने दिया था, ओपेरोन के अकॉर्डिंग दिया गया था, इतनी बात क्लियर होगी। हालांकि ये तुम्हारी बुक में नहीं दे रखा, मैंने नेक्स्ट टाइम बता दिया प्रोबायोंट की कहानी, कोसर्वेंट टाइप के बायोस्फीयर, कोसर्वेंट टाइप के ओपेरोन के, ओपेरोन थ्योरी है सेल के लिए, और ये वाले जो थ्योरी है सिडनी फॉक्स की थ्योरी, किसकी थ्योरी है, सिडनी फॉक्स की थ्योरी है। आई होप ओपेरोन और हेल्डन थ्योरी समझ में आ गई।
इसे ही अब इसको ए प्राइमरी ए बायोजेनेसिस क्यों कहा था आपको याद हो तो, ये सिंपल ऑर्गेनिक से स्टार्ट हुई थी तो लिविंग थोड़ी ना, ए बायोटिक ही हो गए ना, ए बायोटिक फैक्टर से स्टार्ट हुई थी, इसलिए इसे प्राइमरी ए बायोजेनेसिस थ्योरी भी कहते हैं, जो किससे अलग है, स्पोटेनियस थ्योरी से अलग है। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद में इस, ये तो था प्रिमिटिव, है ना, ये वाली जो बातें अपन ने पढ़ी वो प्रिमिटिव अर्थ के अकॉर्डिंग पढ़ी थी। अब इसको एक्सपेरिमेंटली भी तो प्रूफ करना था, तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट थे मिलर, उन्होंने प्रिमिटिव अर्थ पे, प्रिमिटिव जो अर्थ है उसका मॉडल तैयार किया लैब में, और फिर लाइफ ओरिजिन को एक्सप्लेन किया बेसिस ऑफ द ओपेरॉन एंड हेल्डन थ्योरी। तो मैं तुम्हें डायग्राम से समझा दूँ ये वाली बात, आई होप ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ओपेरॉन और हेल्डन जो थ्योरी थी ना, वो कब दी गई थी, 1920 में। ओपेरॉन और हेल्डन थ्योरी कब दी गई थी, 1920 में दी थी, और जो मिलर और यूरे, है ना, मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट, स्टेनले एल मिलर, बात समझ में आ गई, और एक क्या थे हेरोल्ड यूरे, इन दोनों ने मिलकर ही एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था। कब किया था, 1953 किया था। देखो डायग्राम से समझा दूँ पूरी बात, मैं बुक्स ले रही हूँ ताकि तुम्हें डायग्राम से समझा पाऊँ। देखो ये था मिलर का एक्सपेरिमेंट था, उसने मिलर ने क्या किया, ये एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया इन द लैब, कब की, देखो 1953 की थी, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक ऐसा फ्लास्क बनाया, इसकी जो फॉर्म थी वो लाइक एज द प्रिमिटिव अर्थ के जैसी थी, जैसे प्रिमिटिव अर्थ में लाइटिंग हो रही थी, वोल्केनोज आ रहे थे, है ना, सेम वैसी फॉर्म इसने दे दी। इसने यहाँ का जो टेम्परेचर है वो प्रिमिटिव अर्थ के जैसा ही रखा, यहाँ का टेम्परेचर भी लगभग 800 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर रखा, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा। इसके अंदर उसने गैसेस डाली, मेथेन, अमोनिया, है ना, ये और वाटर, वाटर लगा लेकिन वेपर की फॉर्म में, वाटर डालेगा लेकिन किसकी फॉर्म में। फिर देखो इसने दो क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए, ताकि वोल्केनोज तो अभी आ नहीं सकते, तो वोल्केनोज जैसे फटते रहते हैं ना, वैसे ये दोनों इलेक्ट्रोड है वो आपस में जुड़ करके क्या दे, स्पार्क, लाइटिंग क्रिएट कर दें। फिर इसने एक, जैसे एक तो ये फ्लक्स ये ले लिया जिसमें इसने क्या लिया था, गैसेस ले ली, दो इलेक्ट्रोड लगा दी स्पार्किंग करने के लिए। फिर एक और फ्लक्स लिया इसने, उसके अंदर उसने वाटर को क्या किया, बॉइल्ड किया, ठीक है, ये जो बॉइल्ड वाटर था ना ये वेपर में कन्वर्ट हुआ, और जो वेपर थी उसको कहाँ ला के छोड़ दिया, इस फ्लाक्स के अंदर छोड़ दिया। देखो अब यहाँ पे वाटर भी हो गया गैसेस की फॉर्म में, प्रिमिटिव अर्थ बन गई ना, स्पार्किंग भी हो रही है और ये गैसेस भी प्रेजेंट है। इसने कुछ टाइम के यहाँ पे रिएक्शन होती गई, फिर यहाँ से जो केमिकल्स बना ना उसको फिर एक पाइप्स के थ्रू बाहर निकाला, जैसे मान लो ये जो पाइप्स थी, है ना, इस पाइप के दोनों तरफ एक और ट्यूब चल रही है, जिस ट्यूब में क्या चलता है, कोल्ड वाटर, इसको अपन कंडेंसेशन बोलते हैं, प्रोसेस का नाम क्या हुआ, कंडेंस। देखो इसमें क्या हो रहा है, जो वेपर है वो बाहर निकल रही है, अंदर से क्या जा रहा है, ठंडा पानी जा रहा है, तो इसमें से मतलब अंदर ये ट्यूब है ना पूरी पैक, कैसे जैसे मान के चलो ये ट्यूब है, इसको मैं ऐसे पैक कर दूँ, तो इस ट्यूब के अंदर से क्या चल रहा है, सुनो, इस ट्यूब के अंदर से तो ये रिएक्शन वाला प्रोडक्ट चल रहा है, है ना, ऐसे इसको पैक कर दिया, और बाहर क्या है, कोल्ड वाटर चल रहा है, तो अंदर वाला जो जो गैसेस फॉर्म में था, कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आने की वजह से किस फॉर्म में हो गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, द कलेक्शन ऑफ द लिक्विड्स। उसने इस लिक्विड का क्या किया, फिर कलेक्ट किया, उसने इस लिक्विड के अंदर वही ऑर्गेनिक सब्सटेंस देखे जो कहाँ थे, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ वाले थे, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, ये सब देखे, तब इसने क्या कहा था कि लाइफ का ओरिजन इसी मेथड से हुआ है, जिस मेथड से किसने बताया था, ओपेरॉन और हेल्डन ने बताया था। क्लियर है क्या इतनी बात। देखो फर्स्ट लाइटिंग डिस्चार्ज किया, लाइटिंग डिस्चार्ज होने से क्या बना, सुगर ग्लूकोज बना, नाइट्रोजन बेस बने, है ना, पिगमेंट्स बने, फैट बनी, ये जो फैट वगैरह थी फिर इनको कलेक्शन करके उसने लार्ज मॉलिक्यूल्स बना दिए। तो ये मिलर का एक्सपेरिमेंट है, सेम ओपेरॉन हेल्डन वाला ही है, बट कंडीशन आपको एक इंस्ट्रूमेंट में बतानी है। मिलर और यूरे ने एक्सपेरिमेंट, ओपेरॉन हेल्डन
given the origin of life theory but experimentally proved by the Miller and Urey by a experimented in this experimented to take a flux one flux the a ball like form it create the gases which gases are found in the primitive earth methane ammonia water CO2 H2 etc And the primitive earth not found the oxygen. ये याद ना primitive earth पे oxygen नहीं बनेगी. Oxygen कब बनेगी जब first life होने के बाद में. कि first life क्या थी? Prokaryotic cells थी. Bacteria बने थे first life की form में. फिर oxygen बननी start होगी. Atmosphere बनना start हो गया था. क्योंकि एटमॉस्फेयर कैसे बनता ऑक्सीजन कैसे बनती ये वाली बात तो हम फर्स्ट वीडियो में कर ही चुके थे आपको वहाँ देखना होगा फर्स्ट वीडियो यहाँ तो केवल ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ना है हमें स्पार्किंग थी वाटर वेपर है कंडेंसेशन फॉर्म बनी कलेक्शन किया और कलेक्शन में सारे क्या थे ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे ये लो इन सॉरी सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फिर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर कंबाइन टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस दिस थ्योरी इज द मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट देखो यहाँ तक है ना तीन क्लास के अंदर हमने ये देख लिया यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है ये बात कर ली हमने तीन क्लासेस में एक अपन ने देखा लाइफ का ओरिजिन जिसमें अलग अलग थ्योरीज हमने पढ़ी है नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो अपन नेक्स्ट डे करेंगे आज तक का इतना टॉपिक अच्छे से समझ लेना ओके